सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सीबीआईसी ने एक ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन दिया है। आपके सामने वो ट्वीट मैंने ओपन किया है और इस ट्वीट के बाद काफी लोगों को ये कंफ्यूजन जो है वो आ रही है कि जीएसटीआर 2B क्या कहीं प्रेस्क्राइब किया गया है या नहीं। सबसे पहले देखिए यहां पर आया है, डियर टैक्स पेयर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी अवेल्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। यानी कि जो डेटा आपकी जीएसटीआर 2B में आया है उसके बेसिस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना है, विच इज अ स्टैटिक आईटीसी स्टेटमेंट जनरेटेड फॉर ईच मंथ। अब इस ट्वीट के बाद काफी सारे लोगों का कमेंट रिप्लाई जो है वो ये है, क्या ये 2B जो है रूल्स में कहीं प्रेस्क्राइब्ड है? अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो क्या रूल 36 सब रूल 4 कहीं ये मेंशन करता है कि आपको अपनी GSTR 1 जो है वो टाइमली फाइल करनी है ताकि आपका डेटा टाइमली आपके 2B में आ जाए? तो इन सारी चीजों के लिए आपको देखना होगा रूल 60। रूल 60 बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। और ये फॉर्म 60 जो है, रूल 60 जो है ना, ये 1 जनवरी 2021 से सब्स्टिट्यूट हो चुका है। यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक जो रूल 60 था वो कुछ और बात करता था, 1 जनवरी 2021 से रूल 60 अमेंड हो चुका है न्यू रिटर्न यानी कि QRMP स्कीम लॉन्च होने के बाद। अगर आपने हमारी कोर्सेज को व्यू किया है, डिटेल्स में समझा है या फिर हमारी दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन को रेफर किया है तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि GSTR 2B जो है वो कौन से रूल में प्रेस्क्राइब्ड है। हमने अपनी जीएसटी की न्यू रिटर्न स्कीम का जो कोर्स है उसके अंदर डिटेल्स में आपको बताया है। अगर आपने अभी तक कोर्सेज परचेज नहीं किया है तो आप हमारा कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए रूल 60 का जो सब रूल 1 है ये कहता है द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1, यानी कि आपके सप्लायर जो अपनी जीएसटीआर 1 में या फिर IFF के अंदर जो भी डेटा अपलोड करेंगे वो आपकी जीएसटीआर 2A में दिखेगा। इसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि टाइम लिमिट क्या होगा, यानी कि जीएसटीआर 1 या IFF जब भी आप फाइल करें आपके 2A में डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। सब रूल 2 बात करता है वैसे लोगों का जो कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। सब रूल 3 बात करता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। सब रूल 4 हमारा है वो बात करता है TDS TCS के लिए। इसके बाद आता है सब रूल 5 जो कि बात करता है TCS का, और आखिरी है सब रूल 6 जो कि SEZ और बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहा है। ये सारी चीजें तो हम लोग अभी तक देखते सुनते करते आ रहे थे, लेकिन एक नया सब रूल 7 जो रूल 60 नया इंप्लीमेंट हुआ 1 जनवरी 21 से, उसमें सब रूल 7 जो है वो न्यूली इंसर्टेड है। और ये क्या कहता है, एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR 2B फॉर एवरी मंथ इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल एंड शैल कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर अदर देन अ सप्लायर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो 2 सेक्शन 39(1), यानी कि QRMP में जो चले गए उनके लिए इन फॉर्म GSTR 1 बिटवीन द डे। ये इन्होंने बता रखा है कि आपका GSTR 2B जो है वो जनरेट कब होगा, और जब वो जनरेट होगा उस डेटा के अंदर किस पीरियड का इनवॉइसेस जो है वो दिखाया जाएगा। आज हम लोग इस डिस्प्यूट की बात नहीं करेंगे कि GSTR 2B के बेसिस पे क्रेडिट लेंगे या GSTR 2A के बेसिस पे, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको ये बताना जरूरी है कि 2B जो है
रूल 60 सब रूल 7 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, तो आप ये मत कहिएगा कि ये जो 2B है ये रूल्स में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। हाँ, सवाल ये उठ सकता है कि रूल 60 बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल्स। यहां पर वर्डिंग्स है असर्टेनिंग डिटेल्स, पहले यहां पे वर्डिंग्स थी फॉर्म्स एंड मैनर फॉर द फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स। पहले इनवर्ड सप्लाई कैसे फर्निश होएगी उसका ये प्रेस्क्रिप्शन था, अब इनवर्ड सप्लाई कैसे असर्टेन करेंगे ये रूल अब इस चीज की बात करता है जिसके अंदर GSTR 2B जो है उसे इंप्लीमेंट किया गया है। सब रूल 8 कहता है द स्टेटमेंट इन 2B फॉर एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ये कब अवेलेबल होगा, अगर आप ये रूल्स को पढ़ेंगे तो इसका सिंपल टर्म ये समझ आएगा आप लोगों को कि GSTR 2B जो है वो आपको देखने को मिलेगा हर महीने की अगली 14 तारीख को, 14th ऑफ एवरी मंथ जो है वो आपको 2B देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा एक सवाल आता है कि जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है वो कहीं ये प्रेस्क्राइब करता है क्या कि आपकी GSTR 1 जो है वो टाइमली फाइल होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे रूल 36(4) ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। तो यहां पर दो अलग अलग व्यूज है। पहला व्यू ये कि आपका जो GSTR 1 है जो 37(1) के अंदर जाता है सप्लायर फाइल करता है वो कभी भी फाइल करे रूल 36(4) जो है उसका ITC दे देगा, लेकिन जब आप सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 को पढ़ोगे तो यहां जो बातें लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन सच फॉर्म एंड मैनर मे बी प्रेस्क्राइब, वो प्रेस्क्राइब करेंगे GSTR 1 प्रेस्क्राइब है द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड ऑन और बिफोर द 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो यहां पर आपको समझना होगा कि GSTR 1 जो है वो एज पर 37(1) फाइल होगी यानी कि 10 तारीख तक, जिसे एक्सटेंड एक दिन के लिए किया गया है 11 तारीख तक। तो यहां पर जब लिखा गया है 37(1) इसका मतलब कि आपको उस ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करना होगा, तभी ये रूल 36 सब रूल 4 जो है ये आप लगा पाएंगे। ये दूसरा व्यू है और ये हमारा भी व्यू रहता है कि 37(1) जो है वो यही कहता है कि आपको GSTR 1 जो है 10 तारीख तक फाइल कर देनी है, 10 तारीख को एक दिन एक्सटेंड किया गया है विद द पावर ऑफ कमिश्नर और उसका नोटिफिकेशन जो है वो इशूड है। तो GSTR 2B के बेसिस पे ले या 2A के बेसिस पे ले, 2B कहां नोटिफाइड है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपनी 3B फाइल कर रहे हैं तो 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे उसमें चेक कर लीजिएगा 2B के अंदर जो ITC है वो कोशिश करके क्लेम हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, साथ में जो आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलेंगी उसके लिए ऑल नोटिफिकेशंस जो है जरूर प्रेस करना है। अगर आपको GST के कोर्सेज, GST की मैगजीन की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, उसके लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे मैं लिख करके दे रहा हूं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप या कॉल दोनों की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।